तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ दाल का पूड़ी बनाने। इसके लिए चना दाल उबाल लिए हैं, अब उबाल कर इसको पीस लेते हैं। और साथ में गुड़ और दूध वाला खीर बना रहे हैं और नेनुआ आलू का सब्जी। इसके लिए नेनुआ छील कर काट लिए हैं। तो नेनुआ छौंक दिए हैं और आलू डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा पूरा सब्जी तैयार हो गई बनकर। अब गुड़ खोला ली है, इसको छान लेते हैं, क्योंकि खोला कर छान लेना चाहिए, इसमें कचरा चढ़ रहता है। छान लिए इसको और इसी में चावल डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस लिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं और इसमें खड़ा जीरा डाल रहे हैं। अब चाहे तो भूज कर भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा भी गूंथ लिया है और मैं चलती हूँ पूड़ी बनाने। पूड़ी बनाने के लिए मैं लोई काट लेते हैं। लोई काट कर और चकला इसको बना लेते हैं। चकला बनाकर इसमें दाल भर लेंगे अपने अंदाज से, जितना चाहे मोटा या पतला तो भर सकते हैं आप। और इसको इस तरह से मुंह बंद करके जो ज़्यादा आपको आटा दिख रहा है उसको काट लीजिए। और फिर इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा खीर हो चुका है, अब इसमें दूध मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा खीर बनके तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और यम्मी दिख रहा है। तो इसको बेल लेते हैं। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब पूड़ी को छान लेते हैं। अब इसको पलट लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो मेरी फाइनली ब्रेकफास्ट तैयार है। तो देखिए पसंद आए तो अगर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए धन्यवाद।